लगता है उसका पति है। तुम कुछ परेशान सी लग रहे हो, सब ठीक तो है सनम? सनम, ओ, तो ये मुझे वो लड़की समझ रहा है जो हॉस्पिटल में थी, लेकिन सनम ये कैसा नाम है? प्लीज पापा, शक्ल मेरे जैसी थी, एक नाम भी ढंग का दे देते। सॉरी, सब ठीक तो है? तुम बहुत परेशान लग रही हो सनम, ये सब आहिल भाई की वजह से? हाँ, आहिल की वजह से, उसने जो मेरे साथ किया है ना, जो उन्होंने किया है सनम, उन्होंने तो कुछ नेक काम किया जिसकी वजह से उनकी ऐसी हालत हुई है। अल्लाह का शुक्र है कि वो बच गए। सनम तुम, ओह तो शायद ये आहिल वो था जिसके लिए मेरी डुप्लीकेट रो रही थी। वैसे तुम यहाँ क्या कर रही थी? आई मीन यहाँ कैफेटेरिया में तुम क्या कर रही हो? वो मैं यार सनम को क्या हो गया है? कुछ तो गड़बड़ जरूर है। पप्पा, इस चूजे की वजह से मेरी मुर्गी हाथ से निकल जाएगी। सुनो, भगवान सब कुछ ठीक कर देता है, खुश हो चले। पप्पा, ये नमूना कहां से आ गया? मेरे पूरे प्लान की बैंड बजा दी इसने। हेलो, तुम वहां क्यों बार बार देख रही हो? उनको जानती हो क्या? नहीं, वैसे ही देख रही हूँ। अच्छा, मुझे जाना है। कहाँ जा रही हो? हॉस्पिटल जा रही हूँ, और कहाँ? क्यों, आहिल भाई तो घर पहुंच गए। ओ, तुम बड़ी अम्मी को मिलने जा रही हो? हाँ, बड़ी अम्मी से मिलने जा रही हूँ। और कुछ पूछना है? नहीं, खत्म हो गया इंटरव्यू, थैंक यू। हाँ, अरे फातिमा, अरे मेरी तो कमर टूट गई भाई। अरे इतना दो दो बक्सा कपड़े क्यों लेकर आई है तू? हाँ रूफी, अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम बेटा, जीते रहो जीते। आप यहाँ कैसे हैं? या अल्लाह, ये तेरी दुनिया? मेरे सबसे चहेते भतीजे का निकाह हो गया और तू मुझसे पूछ रहा है कि मैं यहाँ कैसे हैं? वाह वाह वाह, आप खड़े खड़े यूं ही देखेगा या अपनी पूपी के गले लगेगा? आजा मेरे बच्चे, तुझे गले लगाने के लिए मैं कब से बेचैन थी। वो फूफी जान, वो सब इतनी जल्दी में हुआ तो? या अल्लाह, ये तेरी दुनिया हा? अरे भाई, हमने तो कितने सपने सजा कर रखे थे कि मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी, लेकिन मैं वो पहनूंगी, ये करूंगी, वो करूंगी, लेकिन सब चीजों पे तूने पानी फेर दिया। अब खड़ा खड़ा मेरा मुंह क्या देख रहा है वहां से? यहाँ मेरे पास बैठ। अच्छा, अब सब छोड़, तिजोरी तो तोड़ दी है, अब बता हाथ क्या लगा है? अरे मैं भी तो देखूं, ऐसी कौन सी हूर परी है जिसे निकाह करने के लिए तू उतावला हुआ जा रहा था। अच्छा ये बता, गोरी है? खूबसूरत तो होगी। अरे हया, मैंने जो देखा वो तूने देखा? लड़की इतनी भी गोरी नहीं है।
अरे चुप कर कमबख्त मारी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि दुल्हन सुबह सुबह किसी और कमरे से आ रही है, जरूर दाल में कुछ काला है, पता करना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा। ये मेरी फूफी जान है। वालेकुम सलाम। कहाँ गई है सनम? कहाँ चली गई? मतलब इतनी बड़ी गाड़ी है इसके पास और मैं मिस्टर एंड मिसेस मल्होत्रा के पीछे अपना टाइम वेस्ट कर रही थी, इस लड़के के साथ ही टाइम स्पेंड कर लेती। सस्का बिना मस्का। अपने दिल की आवाज सुनो। ये कौन बोल रहा है? मेरे दिल का डायरेक्ट कनेक्शन सिर्फ बप्पा के साथ है और ये आवाज बप्पा की नहीं है फॉर श्योर। मैं शिवाय बोल रहा हूं और खुद ही सोचो क्यों किसी बेचारे इंसान के पैसे चुराते। देखो देखो वो बेचारा कितना परेशान हो रहा है। अब तुम खुद ही ये तय करो कि अब भी तुम्हें चोरी करनी चाहिए। फैसला सिर्फ अब तुम्हारे हाथ में है। वेरी गुड सुनहरी, हो गई ना सेंटी। कोई भी मुझे इमोशनली ब्लैकमेल कर सकता है। अगर इसी तरह मैं सेंटी होती रही ना तो एक दिन इस बलून वाले की तरह सड़क पे खड़े होकर गुब्बारे बेचने पड़ेंगे मुझे, जो कि मेरी पर्सनैलिटी को बिल्कुल भी सूट तो नहीं करता। लेकिन मैं क्या करूं, आज तक मैंने बप्पा की बात नहीं टाली तो बप्पा के पप्पा की कैसे टालू। और फिर ठीक भी है, अगर इन बच्चों को गुब्बारे नहीं मिलेंगे तो सुनहरी को अच्छा नहीं लगेगा। चल छोड़ सुनहरी, आज नहीं। सो मैंने वो किया जो मेरे दिल ने कहा।
एक्सक्यूज मी, मैं कॉफी पी रहा हूँ, कौन सी सीधा ये वक्त कॉफी का नहीं है, आपको खाना खाना चाहिए। अब तुम मुझे बताओगे क्या करना है। पता है इस वक्त तुम्हें क्या करना चाहिए? बादाम खानी चाहिए। यू नो व्हाई? क्योंकि तुम भूल गई हो, यू फॉरगॉटन कि नोबडी टेल्स मी व्हाट टू डू। मुझे जो करना है, जैसा भी करना, मैं खुद करता हूं। आई मेक माई ओन डिसीजंस। और मुझे कब क्या खाना है ये मुझे कोई नहीं बताएगा। अंडरस्टैंड दैट? मैं बादाम खा लूंगी, लेकिन थोड़े से आप भी खा लीजिएगा। आप ये भूल गए हैं कि इस वक्त आपको दवाई की जरूरत है, और उसके लिए आपको पहले खाना खाना पड़ेगा। तो खाना खा लीजिए। अभी मुझे भूख नहीं है, मैं काम कर रहा हूं। कॉन्शियस से व्हाट आर यू डूइंग? मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं है। खाना तो खाना पड़ेगा। आई सेड लीव, मैं खाना नहीं खाऊंगा। अंडरस्टैंड दैट? क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? तुम होती कौन? तुम मुझे आहल रजा इब्राहिम को ऑर्डर्स दोगी क्या खाना है, कब खाना है? You know what? मुझे खाना नहीं खाना। जिसको भाई क्या हो गया है आपको? तुम्हें क्या हुआ? Why you forcing me? Force you? जिद क्यों कर रही हो तुम? मुझे नहीं खाना तो नहीं खाना है। Stop forcing me. क्योंकि अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो आप दवा नहीं खा पाएंगे, और अगर दवा नहीं खाएंगे तो आप जानते हैं हॉस्पिटल में आपकी क्या हालत थी। मरने वाले थे आप, आपकी जान जा रही थी। अहिल मैं जानती हूं आप उससे नफरत करते हैं, और मैं आपको रोक नहीं रही हूं। आप मुझे जितनी चाहे नफरत कर सकते हैं, और नफरत कीजिए मुझसे, लेकिन आप खुद से नफरत क्यों करते हैं? आपकी इस हालत की जिम्मेदार मैं हूं। मेरी बड़ी अम्मी को बचाते वक्त आपकी यह हालत हुई। मेरी बहन के निकाह पे आए थे आप, और उस वक्त आपके साथ ये हादसा हुआ, ये हालत हुई। इसलिए मैं चाहती हूँ आहिल कि आप जल्द से जल्द ठीक हो जाए, लेकिन उसके लिए आपको दवाई खानी पड़ेगी, खाना खाना पड़ेगा। आहिल हर काम आपकी मर्जी के हिसाब से नहीं हो सकता, समझे आप? हर बार आपकी जिद पूरी नहीं होगी। खाने की दूसरी प्लेट लेने जा रही हूं, और चुपचाप खाना खा लीजिएगा, नहीं तो मुझे जबरदस्ती खिलाना पड़ेगा। बड़ी बदतमीज लड़की है ये। मैं इतना गला फाड़ के चिल्ला रही हूं, सुनाई नहीं देता है तुम्हें? आगे आने की बात तो दूर, पीछे पलट कर देखती तक नहीं है। क्या हो गया? कुछ गड़बड़ तो नहीं है? चिटिया की कसम, अगर आपको ये सामान पसंद नहीं तो आप सीधे सीधे बोल दीजिए ना, आप ये तोड़फोड़ क्यों कर रहे? चुप कर, मुंह बंद कर, अपना कुंभकत मारी। उस लड़की को देख माँ, देख, देखो क्या कर रही है, देख। तुम मुझे देख, चुप। अरे ये क्या कर रही हैं आप? फैजू,
अगर तेरी बीवी को हमारा यहाँ रहना पसंद नहीं है ना, तो तू मुंह खोल के बोल दे। अरे ये क्या तरीका हुआ? मैं कई देर से उसे बुला रही, वो सुनने को तैयार ही नहीं है। हाँ, कितनी चीजें फोड़ दी मैं, फिर भी कुछ नहीं कर रही है वो। वो तो अपनी दुनिया में ऐसी खोई है जैसे इस घर में कोई है ही नहीं। फूफी, ऐसी बात नहीं है, आप गलत समझ रही हैं। फूफी, हया ना ही सुन सकती है और ना ही वो बोल सकती है। लड़कियों का क्या अकाल पड़ा हुआ था जो इस गूंगी बहरी लड़की के साथ तूने निकाह किया? अब तो मुझे खाना फोर्सफुली खिलाओगे, you know something? जिस तरह तुमने मुझसे बात की थी ना, आज तक किसी ने इस तरह मुझसे बात नहीं किया। Nobody has spoken to me like this. It's all right. You know, जब मैं बात करता हूं मुझसे कोई सिर उठाकर बात नहीं करता है। Look at me. ना कोई सवाल करता है ना कोई जवाब देता है। Are you even listening? तुम सुन भी रही हो या नहीं? ये। तुम मुझे खाना खिलाकर क्या प्रूव करना चाहते? मैं ये खाना नहीं खाऊंगा। You cannot force me to. ये जिद करके मैं ये खाना नहीं। सनम,